तीसरा जो उसका यूज है उसको बोलते हैं प्रिज्म एज रिफ्लेक्टर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये तीसरा यूज है प्रिज्म एज रिफ्लेक्टर। जो प्रिज्म है ना वो मोस्टली ग्लास का बना होता है और ग्लास में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.5 और उसका जो क्रिटिकल एंगल है सी वो होता है अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री। मतलब अगर 42 डिग्री से ज्यादा पे इंसिडेंट हुआ तो लाइट का हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR हो जाएगा, और इसे कम पे है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं ध्यान देना, हम लोग प्रिज्म को बनाते हैं राइट एंगल और आइसोसेल्स, मतलब तुम्हें शायद पता होगा कि जिसमें दो एंगल बनते हैं 45 एक प्रिज्म बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें ये दोनों एंगल 45-45 है। हम लोग यहां से एक लाइट को एंटर कर रहे हैं इस साइड से, परपेंडिकुलर। तो मुझे बता सकते हो लाइट जब यहां एंटर होगी तो किस तरफ जाएगी? ये बाहर का मीडियम N1 है जो 1 है, अंदर N2 है, N2 ये है 1.5। तो मुझे लाइट किस तरफ जाएगी? स्ट्रेट जाएगी? यस सर। क्यों स्ट्रेट जाएगी? क्योंकि ये नॉर्मल के साथ ही है तो ये स्ट्रेट ही जाएगी। चलो जब ये यहां पहुंचेगी उस वक्त क्या होगा? तो यहां हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो कितना एंगल होगा ये? 90। ये 90 होगा? 90 तो यहां था बेटा। 45। ये एंगल होगा 45। क्यों 45? क्योंकि देखो ये भी 45 है, यहां 90 है, ये भी 45 मिलेगा। समझ में आई बात? ये 45 है क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों 45 है, ये 90 है तो यहाँ कितना बनेगा 45, तो अंदर कितना बनेगा 45 बनेगा। समझ में आई बेटा यहां तक बात? यस सर। अब मुझे बताओ ये 45 एंगल क्रिटिकल से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ लाइट अब बाहर नहीं जाएगी, मीडियम से वापस क्या होगी? TIR होगी। अगर ये एंगल छोटा होता 42 से तो लाइट बाहर चली जाती अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन यहां पे कहां जाएगी? अंदर जाएगी। इसका मतलब अब जो लाइट मूव करेगी वो इस तरफ मूव करेगी। अच्छा मुझे बता सकते हो ये कितना एंगल होगा? 45। क्योंकि हमने पढ़ा है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल 45, तो ये 45 से यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो लाइट आ रही थी इस साइड से वो यहां चली गई। मतलब अगर हम यहां पे अपनी आई यूज करें तो हमको कौन सी चीज दिखेगी एक्चुअल में? नीचे वाली चीज दिखेगी जो यहां होगी, क्योंकि इसी की लाइट यहां से यहां जा रही है। मतलब तुम्हें इसके अंदर यहां पे नीचे वाली चीज दिखेगी। मतलब उस वक्त ये सरफेस जो है ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब होता है मिरर बन जाए, और इसीलिए प्रिज्म्स को हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं, और ये ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्टर है देन मिरर। समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? यस सर। किसी को डाउट यहां तक? पता चल गया कैसे रे आगे जाके टर्न हो गई ड्यू टू रिफ्लेक्शन? गॉट इट? यस सर।
अच्छा इसका एक और यूज है प्रिज्म का ही, वो देख लो एक बार। यहां समझो एंगल 90 है, ठीक है, और ये दोनों 45 45 है, ये भी 45, ये भी 45। समझो यहां से एक रे ऐसे आ रही है स्ट्रेट, यहां पहुंची, समझो इसको थोड़ा हम यहां ले लेते। जब ये यहां पहुंचेगी तो मुझे बताओ किस तरफ जाएगी ये रे। तो हमें पहले यहां पे बनाना पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है, दिखा नॉर्मल सबको। अब मुझे पहले बताओ ये एंगल कितना है। 45। अगेन 45, क्योंकि ये 45 है, यहां 90 बनेगा। तो ये एंगल 42 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। सिंपल बात है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, टी आई आर, ये लाइट यहाँ नहीं जाएगी, किस तरफ जाएगी लाइट, वापस मीडियम के अंदर जाएगी, यानी कि इस तरफ टर्न हो जाएगी। कितना एंगल पे जाएगी यहाँ पे, गेन 45, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। अब मुझे बताओ यहाँ जो बनेगा नॉर्मल, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल जो है यहां से कितना एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कितना होगा? 45। अगेन 45, तो मतलब 45 किससे बड़ा है एंगल, क्रिटिकल से बड़ा है। तो ये लाइट फिर से बाहर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, वापस अंदर आएगी, लाइट जाएगी इस तरफ। तो एक्चुअल में ध्यान से देखो तो लाइट ऐसे घूम के वापस आ गई, तो ये भी वन टाइप ऑफ क्या बन गया, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब ये तुम्हारे इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्शन लाइट है, ये 180 डिग्री घूम कर वापस आ गई। समझ में आई बेटा बात, एवरीवन क्लियर? तो ये था कौन सा यूज, प्रिज्म का यूज था ये पूरा। प्रिज्म जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है और कैसे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है।